सेठ जी करते क्या है, क्या करते क्या है सेठ जी? बस बैठ के खाली पैसे कमाते हैं, मेहनत तो हम करते हैं हम। क्या रमेश ने अपने सेठ के बारे में ऐसा कहा? हाँ नटू काका, और मैंने तो रमेश को कह दिया, ये रमेशिया तुझे पता क्या है, बिजनेस चालू करने के लिए सेठ लोगों को कितने सारे पैसे ब्याज पे उठाने पड़ते हैं, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और उसके बाद भी बिजनेस चलेगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं। फायदा हो या नुकसान, स्टाफ को तो हर महीने टाइम पे पगार देना ही पड़ता है, ऊपर से बिजनेस चलाने का खर्चा वो तो है ही, और अगर किसी पार्टी ने पेमेंट अटका दिया तो वो नुकसान अलग, राइट? अरे हमारे सिर पे जितने बाल है उससे ज्यादा सेठ लोगों के सिर पे टेंशन होता है। वाह बागा, वाह। शाबाश बागा, शाबाश। एक स्टाफ होके सेठ लोगों की व्यथा क्या व्यक्त की है तूने? मैं तो कहता हूँ तू सेठ लोगों पे एक किताब लिख, और उसमें सबसे पहला वाक्य ये लिखना कि अगर सेठ बन के पैसा कमाना इतना आसान होता तो आज दुनिया में कोई नौकरी करता ही नहीं, हर कोई सेठ बना फिरता। बराबर है सेठ जी। वाह वाह बागा, मजा आ गया, जबरदस्त जबरदस्त बात कही तूने। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। बोल बोल बागा, बोल क्या चाहिए तुझे? अरे नहीं नहीं सेठ जी। अरे अरे बागा, सेठ जी खुश होकर तुझसे कह रहे तो मांग ले, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, मांग ले। तो बोल बोल, अरे मांग, क्या चाहिए तुझे है? चाय कॉफी जूस सैंडविच गुजराती थाली? नहीं नहीं थैंक यू सेठ जी, आपके दिल में मेरे लिए प्यार और सम्मान है, बस यही मेरे लिए काफी है। ओ, कितना अच्छा है नटू काका। एक काम कीजिए, बागा को बाद में फालूदा पिला देना, और आप भी एक पी लेना। थैंक यू सेठ जी। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? काम पे लगा। जी जी आइए। मैं बस दुकान में हूँ। बोल कैसे फोन किया? क्यों ऐसे फोन नहीं कर सकती, मैं आपकी घर पत्नी हूँ। हैं? अच्छा हुआ तूने मुझे याद दिलाया, बाकी मैं तो भूल गया था कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी एक धर्म पत्नी भी है। वैसे टप्पू के पापा, मैंने आज ही कहीं पढ़ा था कि पति पत्नी को सिर्फ काम की बातें दिन भर नहीं करनी चाहिए, दिन में 3 बार हंसी मजाक और प्यार की बातें भी करनी चाहिए, उससे क्या है कि उनके बीच में प्यार बढ़ता जाता है। हाँ बराबर बराबर। चल अभी बाकी की मजाक और बाकी की प्यार भरी बातें घर आकर अभी मुझे जरा काम करने दे, कुछ काम है तो बोल। टप्पू के पापा, सुबह आप नाश्ता किए बगैर चले गए थे ना, तो मैंने सोचा कि आज दोपहर को आपका मन पसंद खाना बनाऊं। तो बोलिए आप क्या खाना पसंद करोगे? भी रहने देना, जब भी तू मुझे पूछती है क्या खाना पसंद करेंगे, तब मैं तुझे जो बोलता हूँ वो तू बनाती है नहीं, तूने जो पहले से नक्की किया होता है वही तू बना के खिला देती है। नहीं 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 टप्पू के पापा, सच्ची आज आप जो कहेंगे ना वही खाना बनाऊंगी। सच? हाँ मेरे महाराज, आप हुकुम तो कीजिए, बोलिए। तो ठीक है, एक काम कर, तू आज भरे हुए बैंगन और मिर्ची की सब्जी बना। ठीक है। नहीं लेकिन बैंगन और मिर्ची तो घर में नहीं है। क्यों कहाँ गए? छोड़, घर में चने हैं कि वो भी बाहर गए? नहीं 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 चने हैं, घर में ही है। हाँ तो बस, तो फिर चने की सब्जी बना। ठीक है। नहीं नहीं टप्पू के पापा सॉरी, पर चने बापूजी को माफक नहीं आएंगे। ओहो तो हाँ, मेथी पनीर बना। मेथी पनीर? हाँ। पनीर की सब्जी तो परसों ही बनाई थी टप्पू के पापा। दया तो फिर से मेरा दिमाग के साथ पहले की तरह खेल तो नहीं खेल रही है ना? अरे नहीं 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 नहीं, मैं सच कह रही हूँ, आप जो कहेंगे ना वही बनेगा, बोलिए। अरे क्या जो बोलोगे वही बनाऊंगी, कब से बोल तो रहा हूँ सब तूने मना कर दिया। नहीं नहीं सच्ची, आज आप जो कहेंगे ना वही बनाऊंगी, बोलिए ना। तो ठीक है, अभी मुझे और कुछ नहीं सुनना है,
तू उंधिया पूरी बना, बस खत्म, बात खत्म, बस कुछ बोलना मत, बनाएगी तू बस। ठीक है, पर सॉरी टप्पू के पापा, बापूजी ने कहा कि आज रोटी और टमाटर की सब्जी बनाना है। दया जब दे है क्या खाना बनाना है तो मुझे फोन करके क्यों परेशान करती है? अरे टप्पू के पापा, मैं तो मजाक कर रही थी। बापूजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लुच्ची देखिए, आज के दिन की तीन मजाक तो हो गई, अब तीन प्यार की बातें उंधियो खाने के बाद करेंगे। तो चलिए अभी मैं आपके लिए चटकेदार उंधियो, पूरी, जीरा भात और डबका वाली कढ़ी बनाने की तैयारी करती हूँ, ठीक है? चलेगा? अरे चलेगा क्या, दौड़ेगा। लेकिन देख दया, तू मेरी खाने की कमजोरी भली भांति जानती है। देख मेरा मन अभी से उंधिया पूरी खाने के लिए मचल रहा है, प्लीज वक्त पे मुझे उंधिया पूरी भेज देना, ये सब खाना भेज देना, उसमें कुछ गड़बड़ मत करना प्लीज। अरे मेरे उंधिया राजा, आपकी ये पूरी वक्त पर आपको उंधियो पूरी पहुँचा देगी। बस अब एक छोटा सा काम करना, 12 बजे तक बाघा भाई को टिफिन लेने के लिए घर पर भेज देना। अब बिल्कुल फिकर मत कीजिए, मैं अभी मुन्ना के साथ उसकी बाइक पे जाऊंगा और फटाफट टिफिन लेके वापस आ जाऊंगा। कौन मुन्ना? कौन? मेरा दोस्त, यहाँ गली के नाके पे ही उसका लस्सी का ठेला है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देख बाघा, मैं बैंक में जाने वाला हूँ, तो जब तक मैं बैंक में अपना काम खत्म करके यहाँ दुकान में वापस आऊँ, तब तक टिफिन यहाँ हाजिर हो जाना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाएगा सेठ जी। शाबाश, फिर मैं, तू और नट्टू काका तीनों मिलके करेंगे उंधिया पार्टी। ये क्या बात है सुनीता, आज टमाटर तो बहुत फ्रेश लग रहे हैं। तो दिखिएगा बबीता जी, मस्त पानी से धोया है। और ये करेला? हाँ हाँ इसे भी धोया है। बैंगन? धोया है। फ्लावर? हाँ हाँ धोया है उसे। धोया है। तुम्हारा पति? हाँ हाँ उसे भी धोया है। क्या कोमल भाभी, आप भी मजाक करते रहते हो। अच्छा सुनीता, अब मुझे ये सब्जी, ये सब आधा आधा किलो दे दो। ठीक है भाभी। सुअच्छा देव भाभी, इतनी सारी सब्जी, मेहमान आने वाले हैं? नहीं नहीं, वो आज मैं टप्पू के पापा के लिए स्पेशल उंधियो बनाने वाली हूँ। आप उंधियो में सारी सब्जी डालते हैं? रसन भाभी, उंधियो में है ना बालोर, सुरती पापड़ी, कच्चा केला, टमाटर, फिर वो रवैया, ऐसी बहुत सारी सब्जियां होती है, और मेथी का मुठिया भी डालते हैं, मस्त लगता है। और ऊपर से दया भाभी के हाथों का जादू। आज तो जेठा भाई एकदम खुश हो जाएंगे ना। आज जेठा भाई की तरफ से आपके लिए शाम को गिफ्ट पक्का है। लाओ लाओ, जल्दी जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। ये ले लो पैसे। चलो आप लोग बातें कीजिए, मैं तो चलती हूँ, मुझे जल्दी है। मैं चली उंधियो बनाने, मुझे रोकना आना सकी। मैं चली। एक भी दया भाभी, ऑल द बेस्ट। दया भाभी को ऑल द बेस्ट की क्या जरूरत है? उंधियो बनाना दया भाभी के लिए बाएं हाथ का खेल है। कोमल भाभी बात एकदम सही है, लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब दया भाभी ने कुछ खास बनाने की कोशिश की है, तब तब कोई ना कोई हंगामा ना जरूर हुआ है। दया भाभी आप ही याद कीजिए, जब जब आपने जेठा भाई के लिए कुछ स्पेशल बनाया है, तब तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है कि नहीं? इसीलिए इस बार के लिए दिल से ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो मैं निकलती हूं, बाय बाय। देवा, दया भाभी के उंधियो प्रोग्राम में कोई गड़बड़ मत होने देना। नमक डाल देती हूँ, एक मिनट।
माँ उंधिया की क्या खुशबू आ रही है, बात ना पूछो माँ। हाँ माँ, मुझे तो ऐसा मन हो रहा है कि काश मैं मोबाइल में फोटो की तरह तुम्हें खुशबू भेजती, मजा आ जाता वाह। अरे माँ, बहुत सारा उंधियो बनाया है। नहीं, वो क्या है, टप्पू के पापा ने बोला है कि जब भी स्वादिष्ट रसोई बनाओ ना, तब ज्यादा मात्रा में बनाना, तो क्या है कि रात को भी खा सके। नहीं, अब भी तैयार हो जाएगा उंधियो तो। चलो मैं फोन रखती हूँ। हाँ वही वही। हेलो, हाँ वीरा, बोल बोल, कैसे है तू? मैं बस मजे में हूँ, बोल। अरे तुम्हें कैसे पता चला मैंने उंधियो बनाया है? अच्छा माँ ने बताया। ओह वीरा, एक मिनट फोन चालू रखो, एक मिनट वीरा हाँ चालू रखो, जरा उंधिया चेक कर लेती हूँ। हाँ थोड़ा चेक तो करना पड़ता है ना। ओहो वीरा, मैं क्या कहती हूँ, तू अभी की अभी अहमदाबाद से निकल मुंबई आने के लिए, रात तक तो पहुँच भी जाएगा, साथ में बैठ के उंधिया खाएंगे ना, तो उंधिया का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। मैं क्या कहती हूँ, अब तू जब भी मुंबई आएगा ना, तो मैं तुम्हारे लिए उंधियो बना कर रखूंगी। मैं क्या कहती हूँ, सुनो ना, अभी मुझे पूरी और बाकी की रसोई भी करनी है, 12 बजे तक तो बागा भाई टिफिन लेने आ भी जाएंगे। हेलो वीरा, मैं है ना बाद में फोन करती हूँ। बाय बाय। टप्पू के पापा तो आज सब खुश हो जाएंगे, उंधियों की क्या खुशबू है। वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है कोमल, लगता है किसी के यहाँ कोई स्पेशल डिश बन रही है। हाँ खुशबू तो एकदम बढ़िया आ रही है। चलो चलो कोमल, जल्दी से कुछ खाने को मुझे दे दो, चल चल के मेरी हालत खराब हो गई और मुझे कस के भूख लगी है। यही मैं सोचूं, तुमने अभी तक ये डायलॉग बोला क्यों नहीं, हम लोग बाहर कहीं पर भी जाए कंपाउंड में आते ही तुम ये डायलॉग बोलते हो। कोमल अब भूख लगेगी तो यही बोलूंगा ना। हाय हाय। लगता है मिस्टर एंड मिसेस हाथी कहीं घूमने गए थे। हाँ नहीं नहीं बबीता जी, हमारे एक रिश्तेदार के घर में पूजा थी तो वहीं से आ रहे हैं। ओके। और आते आते इतनी ठंडी में भी हंस ने सिर्फ 10 ग्लास जूस पिए हैं। 10 ग्लास? जल्दी थी ना आने की, वरना 20 ग्लास तो पीता ही मैं। खुशबू तो बढ़ती जा रही है, क्या कमाल की खुशबू है। हाँ दी भाई, वो एक्चुअली दया भाभी आज स्पेशल उंधियो बना रही है, तो खुशबू उसी की है। उंधियो की खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है, तो उंधियो कितना टेस्टी बना होगा ना। हंस, आज दया भाभी ने जेठा भाई के लिए स्पेशल उंधियो बनाया है। हाँ, एंड थैंक गॉड कि आज उंधियो टाइम पर बन गया है ना। अब बिना गड़बड़ के टाइम पर जेठा भाई को टिफिन मिल जाए ना, तो दया भाभी रिलैक्स हो जाएंगी। एब्सोल्युटली, वैसे आई एम श्योर आज कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ ओके, आई सी यू गाइस लेटर। ओके बाय बाय बाय। अरे हंस, कहाँ जा रहे हो? जेठा भाई के घर। क्यों? कोमल क्या है ना, ये उंधियों की खुशबू मेरे दिल में बस गई है, और जब तक मैं उंधियों नहीं खाऊंगा ना, मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा, तो मैं जा रहा हूँ। पर हंस, ऐसे सीधे किसी के घर खाने नहीं जाते। किसी के? अरे जेठा भाई और दया भाभी अपने, और अपनों से कैसी शर्म। मैं तो जा रहा हूँ कोमल, बाय। गुलाब नो छोड़। दया भाभी, ये तो हाथी भाई की आवाज है। दया भाभी। आई। कोमल तुम टेंशन मत लो, दया भाभी नाराज नहीं होंगी। हाँ बराबर कहा हाथी भाई, मैं कभी नाराज नहीं होती। और वैसे भी मेरी माँ हमेशा कहती है कि बेटा दया, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, नाराज कभी मत होना, और किसी को नाराज करना भी मत। सही बात है। अरे कोमल भाभी, हाथी भाई आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। नहीं नहीं,
यही ठीक है दया भाभी। भाभी अब हाथी भाई को बोलने दीजिए ना। क्या हुआ हाथी भाई? दया भाभी आपने उंधियों बनाया है ना, पूरे कंपाउंड में नीचे खुशबू फैल गई है, वही खुशबू से तो मैं खिंचा चला आया। ना वो टप्पू के पापा की आज स्पेशल फरमाइश आई है उंधियों बनाने की, इसलिए आज उंधियों बनाया है। बहुत अच्छा किया दया भाभी, जल्दी से मुझे उंधियों टेस्ट करा दीजिए ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा। हंस व्हाट इज दिस, तुम सामने से उंधियों मांग रहे हो? कोमल तुम कब से क्या हंस हंस कर रही हो? दया भाभी मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं बेझिझक उनसे कुछ भी मांग के खा सकता हूँ। क्यों दया भाभी? हाँ हाथी भाई आपका पूरा हक है, कोमल भाभी आप हम भाई बहन के बीच में बताइए। हाथी भाई उंधियों एकदम तैयार है, बस अब थोड़ी देर बैठिए, मैं गर्मा गर्म पूरी बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं दया भाभी आप सिर्फ उंधियों देना, मैंने घर में पराठे के लिए आटा गूंथ के रखा है। दया भाभी आप पूरी बनाने की टेंशन मत लो, कोमल पराठे बना लेगी, बस अब जल्दी से उंधियों दे दो। ठीक है अभी लाई उंधियों। थैंक यू। क्या कमाल की खुशबू आ रही है ना कोमल, तुम भी दया भाभी की तरह उंधियों बनाना सीख लो ना। तुम्हारा बस चले ना तो तुम मुझे दुनिया भर के डिशेस सीख लेने कहोगे। तो सीखने में हर्ज क्या है, सीख लो, लेकिन फिलहाल दया भाभी से कम गुजराती डिशेस बनाना तो सीख लो, जैसे उंधियू, दाल ढोकली, थेपला। भाई गर्मा गर्म उंधियू तैयार है, आप तीनों के लिए उंधियू पैक कर दिया है। भाई गर्मा गर्म उंधियू तैयार है, आप तीनों के लिए उंधियू पैक कर दिया है। तीनों के लिए? कोमल तुम तो नहीं खाओगी ना? हंस अरे मजाक कर रहा हूँ, चलो एक आध चम्मच चख लेना। सॉरी दया भाभी हंस ने आपको। अरे कोमल भाभी आप फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं? फॉर्मेलिटी? ओह यू मीन फॉर्मेलिटी। हाँ कोमल मैं क्या कह रहा हूँ, शाम को दया भाभी को टिफिन वापस कर देना, और कहते हैं खाली टिफिन वापस नहीं करते, अच्छा नहीं होता, तो कुछ बढ़िया से डिश बना लेना और इसमें भर देना और मुझे देना, मैं वापस करने आऊंगा। अच्छा तुम टिफिन लौटाने आओगे ना तो खाली टिफिन ही लौटाओगे। सॉरी हंस मैं मजाक कर रही थी। नहीं नहीं तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसा हो सकता है, फुल चांसेस है। हा? तो तुम ही आना लौटाने। ओके थैंक यू दया भाभी, बाय बाय। अब नहीं रुक सकता। अरे नहीं सही में तुम ही लौटाने आना। अरे नहीं बगा भाई आते ही होंगे, पूरी और बाकी की रोस्टिंग फटाफट बना देती हूँ। मुन्ना तो गाड़ी घुमा के रख, मैं अभी सेठ जी के घर से टिफिन लेके आता हूँ। गर्मा गर्म उंधियों, पूरी, जीरा भात और टपका वाली कढ़ी तैयार है। अभी बाघा भाई आएंगे, उनको टिफिन दूंगी और टप्पू के पापा आएंगे मस्ती से ये गर्मा गर्म खाने का टेस्टरा करेंगे। मजा आ जाएगा, बस कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सेठानी जी नमस्ते। ओ नमस्ते बाघा भाई, आइए आइए। देखिए टिफिन तैयारी है, ये टिफिन टप्पू के पापा के लिए है और ये टिफिन नटू काका और आपके लिए है। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू। आप बैठिए मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सेठानी जी चाय नाश्ता नहीं, अच्छा मुहूर्त लेके आई है। अच्छा मुहूर्त? टिफिन ले जाने के लिए अच्छा मुहूर्त चाहिए? नहीं 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 सेठानी जी, टिफिन ले जाने के लिए अच्छा मुहूर्त नहीं, मेरी और बावरी जी की शादी करवाने के लिए अच्छा मुहूर्त। कुछ अच्छा नहीं है सेठानी जी, अब तो वो कम मुहूर्ता मतलब वो अशुभ मुहूर्त भी चले गए हैं और अच्छे मुहूर्त आ गए हैं। सेठानी जी अब तो मेरी और बावरी जी की शादी के लिए कुछ सोचिए ना। होगी होगी आपकी शादी जरूर होगी, क्या है मैं एक ही मानव में दो लोगों की शादी करवाना चाहती हूँ। हाँ हाँ हम दोनों आएंगे, मैं और बावरी जी। नहीं 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 बाका भाई, मतलब आपकी और बावरी बहन की शादी तो पक्की ही है, बस पोपट भाई को उनकी होने वाली पत्नी मिल जाए ना तो आप सबकी शादी एक ही मांडवे में कर देंगे। मतलब मुझे सालों तक इंतजार करना पड़ेगा? अरे नहीं 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 बाघा भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि पोपट भाई को कोई अच्छी लड़की जल्दी से मिल जाए ना तो आप
लोगों की शादी एक ही मालवे में कर देंगे। वैसे आपको और बावरी बहन को शादी के लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जल्दी शादी करा देंगे आपकी। आश, थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं चलूं? आप जल्दी से जाइए, टप्पू के पापा उंधियूपुरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। हाँ लाइए। बघा भाई, ये बहुत वजनदार है। नहीं हाँ बघा भाई, टिफिन को जरा संभाल के लेके जाना। हाँ चलता हूँ। हाँ थैंक यू। हाँ सेठानी जी। बाय बाय मुन्ना, चल चल जल्दी टोपी पहन। बघा भाई, टिफिन जरा बराबर पकड़ना, देखना रास्ते में कहीं गिर ना जाए। हाँ और भाई, आप जरा ठीक तरह से संभल के चलाना। हाँ फिकर मत कीजिए सेठानी जी, ये टिफिन सही सलामत सेठ जी तक पहुंचा दूंगा। हाँ। चलो मुन्ना, एक सेकेंड ना। अरे जाने दे, चलता हूँ सेठानी जी। हाँ भाई, धीरे 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 संभल के लेके जाना है टिफिन, धीरे धीरे। क्या बात है दया भाभी, उंधियों की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू अंजलि भाभी। वैसे अब तो आप रिलैक्स है ना, आपने टाइम पर उंधियों बना दिया, बाघा भाई टाइम पर टिफिन ले गए, अब फटाफट जेठा भाई उंधियों खा लेंगे, सब कुछ सही सही, कोई गड़बड़ नहीं। सर कुरियर। हाँ। पानी पियेंगे? थैंक यू सर। वेलकम। नमस्ते आती भाई। नमस्ते अंजलि भाभी। अरे हाथी भाई, आपने उंधियों खाया? नहीं, उंधियों खाने के लिए बैठ ही रहा था कि कुरियर वाला आ गया, बस अभी जाके खाते ही हूँ। ठीक है, आप जी भर के उंधियों खाना और कम पड़े ना तो मुझे फोन कर देना, मैं फटक से देने के लिए आऊंगी। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। कमाल है कमाल है, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। कोमल कहाँ हो तुम, जल्दी पराठा लेके आओ, मेरी जुबान और इस उंधियों का मिलन हो जाने दो। ये लो गर्मा गर्म पराठा, शुरू हो जाओ। कोमल ये पल मेरी जिंदगी के यादगार पल में होगा। जब भी खाते हो ना, वो पल तुम्हारी जिंदगी का यादगार पल बन जाता है। कोमल ऐसी बात नहीं है, हमारी शादी भी मेरी जिंदगी के यादगार पलों में से एक है। How sweet. कितनी वैरायटी का खाना बनवाया था ना। हा? और वो रसगुल्ले, मतलब वैसे रसगुल्ले तो फिर दोबारा खाने को ही नहीं मिले। हंस क्या? अब कोमल तुम हम डिस्टर्ब मत करो, मुझे उंधिया खाने दो। क्या हुआ, खाने में कंकर आ गया क्या? नहीं, तुम टेस्ट करके देखो ना। ओह गॉड, खाने में तो कुछ ज्यादा ही नमक गिर गया। अरे ये तो दया भाभी टिफिन जेठा भाई के लिए भेजने वाली थी, जिसका डर था वही हो गया। बाघा भाई कहीं टिफिन लेकर गए तो नहीं होंगे ना? पता नहीं। कोमल इतना नमक वाला उंधियों में कैसे खाऊंगा, तुम एक काम करो। हाँ। थोड़ा मुझे दही लाके दो, मैं इसमें मिक्स कर देता हूँ, थोड़ा उंधियों का टेस्ट कम हो जाएगा लेकिन मुझे चलेगा। हाँ हाँ हंस, मुझे प्लीज दो मिनट दे दो, मैं दया भाभी को फोन करके बता देती हूँ, उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि नमक ज्यादा हुआ है। प्लीज बाघा भाई अभी दुकान पहुँच जाएंगे और उंधिया को देखते ही टप्पू के पापा उंधिया पर टूट पड़ेंगे। पहला निवाला खाते ही मुझे फोन करेंगे, वाह दया वाह, क्या उंधिया बनाया है, कैसा पड़ी गया दया। अरे बघा भाई इतना जल्दी पहुंच गए दुकान। हाँ बोलिए टप्पू के पापा, कैसा लगा उंधिया? दया भाभी मैं बोल रही हूँ, कोमल। ओ कोमल भाभी, सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए। वो हाथी भाई को उंधिया अच्छा लगा ये बताने के लिए फोन किया ना? एक्चुअली दया भाभी। हाँ बोलिए बोलिए कोमल भाभी, आपकी आवाज से आप थोड़े टेंशन में लग रहे हैं। एक्चुअली दया भाभी, आपने जो उंधियों बनाया है ना, उसमें नमक डबल हो गया है। अब क्या कोमल भाभी, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? दया भाभी इस मामले में मैं आपके साथ मजाक कैसे कर सकती हूँ, आप जेठा भाई के लिए टिफिन भेजने वाले थे ना, इसलिए मैंने तुरंत फोन करके आपको बताया। तो थैंक यू, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ
बड़ी पूरी और मेरा मन पसंद उंधियू तो मजा आ जाएगा। दया नहीं निर्दया है, निर्दया। सपने तोड़ू, सपने तोड़ू। और नहीं तो क्या, पहले स्वादिष्ट उंधियों के सपने दिखाती है, फिर स्वादिष्ट उंधियों नहीं खारा खारा खम उंधियों भेजती है, जिसका मैं एक निवाला भी नहीं खा सकता, और मेरा स्वादिष्ट उंधियों खाने का सपना चूर चूर हो जाता है। तो हुई ना, सपने तोड़ू। सॉरी। अरे क्या सॉरी, क्या सॉरी, हर बार तू ऐसा करती है, हर बार मुझे स्वादिष्ट स्पेशल खाने का सपना दिखाती है और फिर हर बार कोई ना कोई गड़बड़ करती है। इसकी वजह से तुझे पता है मेरा सिर्फ स्वादिष्ट खाना खाने का सपना नहीं टूटता, मेरी जबान और मेरा पेट भी टूट जाता है। सॉरी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई टप्पू के पापा, दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। वो तो मुझे भी पता है, अभी दोबारा तुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हाँ। क्या? हाँ हाँ, दोबारा मैं तुझे स्वादिष्ट स्पेशल खाना बनाने का मौका दूंगा, तब तो तू दोबारा गलती करेगी। दया, आज के बाद तू कभी भी मेरे लिए कोई भी स्पेशल खाना नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी। बनाएगी मतलब बनाऊंगी। अरे तूने नहीं बोला तो आगे का मैंने बोला बनाएगी, मतलब नहीं बनाएगी। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया दया, ऐसी गलती कैसे हो गई तुमसे, कैसे हो गई, कैसे कैसे। बराबर, मैं माँ और सुंदर वीरा के साथ फोन पे बात कर रही थी, तभी मैंने गलती से दो बार नमक डाल दिया था। बराबर कहते हैं जरूरी काम करते वक्त फोन पे बात नहीं करनी चाहिए, और मैंने की। गोकुलधाम सोसाइटी की मेरी बहन भी बराबर कहती है, जब भी मैं टप्पू के पापा के लिए कोई स्वादिष्ट खाना तैयार करती हूँ तब कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है, और टप्पू के पापा ने भी कहा था दया कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और हो गई गड़बड़, गड़बड़ हो गई। क्या करूं माता जी, ए, ऐसा खारा उंधिया टप्पू के पापा तक नहीं जाना चाहिए, प्लीज। बराबर, बागा भाई अभी पहुंचे नहीं होंगे, रास्ते में होंगे, उनको फोन, उनका फोन मोबाइल, मोबाइल में है। हाँ। भाई फोन उठाइए, फोन उठाइए, फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, लगता है बैक पर होंगे इसलिए उनको सुनाई नहीं दे रहा होगा। फोन उठाइए बागा भाई प्लीज। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, रोड क्रॉस करते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अभी एक्सीडेंट हो जाता और टिफिन गिर जाता तो। सॉरी भाई साहब। क्या सॉरी सॉरी, देख अरे है क्या हो गया, चल मुन्ना कमाल का आदमी है। थैंक यू। अरे माय बागा बॉय, टिफिन लेके आ गया। हाँ नटू काका, गर्मा गर्म उंधियू पार्टी के लिए तैयार। हाँ बोलिए सेठानी जी। अच्छा बागा भाई मुझे ये बताइए, आप दुकान पहुंच गए? खाना शुरू कर दिया? नहीं नहीं सेठानी जी, जस्ट दुकान पहुंचा और आपका फोन आया। अच्छा बागा भाई, आप मुझे ये बताइए टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? एक मिनट सेठानी जी, नटू काका सेठ जी बैंक से वापस आ गए? नहीं अभी तक आए नहीं है, आते ही होंगे। ओ अच्छा अच्छा। हाँ सेठानी जी, वो सेठ जी बैंक से अभी तक आए नहीं है, बस आते ही होंगे, और आते ही कहेंगे बागा टिफिन लेके आ गया, मस्त उंधिया की एकदम भूख लगी है, चलो जल्दी खाना खाते हैं। लेकिन लेकिन बागा भाई, आप टप्पू के पापा को टिफिन खाने मत देना। क्या? नहीं दया नहीं, उंधियू खारा हो गया है वो मत बताना, अगर टप्पू के पापा को पता चल गया तो पता नहीं वो क्या कहेंगे।
हाँ, मैं फटाक से दूसरा उंधियो बनाकर दुकान पहुंच जाती हूँ। सेठानी जी? बाघा भाई, आप टप्पू के पापा को टिफिन खाने मत देना, बस। लेकिन सेठानी जी, सेठ जी हमारे सेठ जी हैं, और हम सेठ जी को कैसे मना कर सकते हैं? और अगर सेठ जी ने हमारे हाथ से टिफिन छीन भी लिया तो भी हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो सेठ जी है। तो बाघा भाई, देखिए, आप टप्पू के पापा को टिफिन खाने मत देना, प्लीज। आपको मेरी कसम, आपको मेरी कसम है बाघा भाई। अरे सेठानी जी, ये आपने कौन से धर्म संकट में डाल दिया? लेकिन अब अगर आपने कसम दे ही दी है तो हम सेठ जी को टिफिन खाने तो क्या छूने भी नहीं देंगे। थैंक यू बाघा भाई, थैंक यू। फोन रखती हूँ। ओके सेठानी जी, रखता हूँ। क्या हुआ बाघा बॉय, व्हाट हैपन? नटू काका, धर्म संकट का बहुत बड़ा सैलाब आ गया है। क्या करें, कैसे बचे? सेठानी जी ने कसम दी है कि टिफिन सेठ जी को नहीं देना है। हाँ, that I heard, but why? वो तो सेठानी जी ने नहीं बताया, लेकिन नटू काका, सेठानी जी का हुकुम सर आंखों पर। जल्दी से उंधी हो जाएगा तो फटाफट टप्पू के पापा को दुकान देने जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, बाघा भाई को यहाँ बुला लेती हूँ। नहीं नहीं, बाघा भाई यहाँ आए उससे पहले तो मैं दुकान पहुंच जाऊंगी। हाँ, टप्पू के पापा को उंधी खाने की बहुत इच्छा है, मैं उनकी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। अरे हाँ, बेचारे हाथी भाई ने भी उंधी नहीं खाया है। दया भाभी का फोन मेरे साथ। हेलो। हाँ कोमल भाभी। बोले दया भाभी। हाथी भाई ने खाना खा लिया? नहीं, क्यों? तो उनको खाने मत देना। क्यों? वो दूसरा उंधियो बस अभी तैयार हो जाएगा, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं दया भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं दूसरी सब्जी बना रही हूँ। नहीं नहीं कोमल भाभी, आप दूसरी सब्जी मत बनाना प्लीज, हाथी भाई को उंधियो खाने का बहुत मन है, मैं अभी आती हूँ। हाउ स्वीट। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं आ जाती हूँ आपकी मदद के लिए। अरे नहीं नहीं कोमल भाभी, थैंक यू, बस उंधियो बन ही गया है। हाँ, मैं आती हूँ, बाय। अरे कमाल है। क्या हुआ कोमल? दया भाभी ने दूसरा उंधियो बना भी दिया, वो लेकर भी आ रही तुम्हारे लिए। अरे ये तो कमाल हो गया भाई, दया भाभी तो दया भाभी है, उनका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। अरे वाह वाह बाघा वाह, टिफिन ले आए, शाबाश शाबाश। चलो चलो खाना खाने बैठते हैं। सॉरी नटू काका, बैंक से आने में थोड़ा लेट हो गया। वो क्या हुआ कि केबी भाई मिल गए बैंक में? अरे सेठ जी, केबी भाई का एक पेमेंट बाकी था, वो याद दिलाना था ना। नटू काका, याद दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, केबी भाई ने सामने से पेमेंट दे दिया। सामने से पेमेंट दे दिया? हाँ ये लीजिए। अरे सेठ जी, आप बैंक में थे तो ये डिपॉजिट कर देना था ना। नटू काका, चेक में तारीख देखिए, 4 दिन बाद की तारीख है। ओह सॉरी सॉरी, 4 दिन बाद याद से भर देना। जी जी जी। आज तो मजा आ गया, आज का दिन बहुत लकी है, है? केबी भाई का पेमेंट मिल गया सामने से, और अभी खाने में उंधियो पूरी मिलेंगे। बागा तू फटाफट टिफिन लेके गोडाउन में आ, हम तीनों मिलके है ना उंधियो पूरी की पार्टी करते हैं। अरे हाँ बागा, ये जरा मेरा फोन चार्जिंग पर रख देना भाई। जी सेठ जी। उंधियो पूरी, अरे दया ने उंधियो भेजा थे खत्म तम। हे
दया ने उंधियो बेजाती खत्म तम। अरे गोडाउन में जाएंगे ना उंधियो पूरी खाएंगे, गोडाउन में जाएंगे ना उंधियो पूरी खाएंगे, स्वादिष्टनी वालों को ओया कर जाएंगे, स्वादिष्टनी वालों को ओया कर जाएंगे। अरे उंधियो भी खाएंगे कढ़ी भी पिएंगे, पूरी भी कर जाएंगे पूरी हम। हे दया ने उंधियो बेजाती खत्म तम, हे दया ने उंधियो बेजाती खत्म तम, हे दया ने उंधियो बेजाती खत्म तम। तो काका ये सेठ जी तो उंधियो खाने के लिए उछल रहे हैं, बाप रे अब क्या करेंगे। डोंट वरी बागा बॉय, जब हम सेठ जी को टिफिन नहीं देंगे तब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो कुछ करेंगे वो ही करेंगे। हा हा हा, ये बागा टिफिन लेकर आया नहीं अभी तक। नटू काका इंटरकॉम, सेठ जी गोडाउन से फोन कर रहे हैं। क्या हाँ? फोन उठाइए ना। बागा तू तो कब तक मेरे भरोसे रहेगा, मुसीबत का सामना करना सीख। नटू काका आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, अगर आपके होते हुए मैंने फोन उठा लिया तो पूरा ऊंधाई गांव आप पे उंगली उठाएगा कि नटेश्वर ये संस्कार दिए हैं तूने बागेश्वर को। बागा माना उम्र में मैं तुझसे बड़ा हूँ, मगर हम दोनों में लंबा कौन है, तू तो तू फोन उठा। हे भगवान मुझे लंबा क्यों बनाया। थैंक यू भगवान। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे, कहीं दोनों दुकान में टिफिन खोल के उंधियो तो नहीं खाने बैठ गए। अरे तुम दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा, और तो टिफिन लेके गोडाउन में क्यों नहीं आ रहे बताइए। मैं कैसे बताऊं, सेठ जी ने तुझसे पूछा है। अरे क्या खेल खेल रहे हो तुम लोग दोनों, चलक चलाणू ओले घर भाणू। बाका तो घर से टिफिन सच में लेके आया है ना, क्या बास्केट खाली है। नहीं नहीं सेठ जी बास्केट खाली नहीं है, टिफिन लेके आया हूँ ना। शाबाश, तो चल भाई ये बास्केट लेके गोडाउन में, मैं मगन को बोल देता हूँ थोड़ी देर वो दुकान संभाल लेगा। चलो भाई बहुत भूख लगी है, चाहिए चल 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 चल। अरे चलो खड़े क्या हो। सेठ जी मुझे आपसे जरा बात करनी है। नटू काका अभी कोतने खाना खाने के बाद आराम से बात करते, अभी बहुत भूख लगी है, चलिए खाना खाते चलिए। नहीं नहीं सेठ जी मुझे आपसे खाने के बारे में ही बात करनी है। हाँ तो खाते खाते बात करते हैं ना, चलिए। नहीं नहीं सेठ जी खाते खाते बात नहीं कर सकते। क्यों, अरे क्या चल रहा है तुम दोनों में। चल छोड़ मैं टिफिन ले लेता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी आप इस टिफिन को हाथ नहीं लगा सकते। बागा ये क्या बोल रहे तू, अरे दया ने मेरे लिए टिफिन भेजा है तो मेरे टिफिन को मुझे हाथ लगाने से रोक रहा है। नटू काका कुछ बोलो इसको। सॉरी सेठ जी, सेठानी जी ने इसे मना किया है। दया ने? हाँ सेठ जी, सेठानी जी ने मुझसे कहा है कि कुछ भी हो जाए सेठ जी को टिफिन मत देना। दया खुद पहले टिफिन देती है फिर वो खुद मना करती है टिफिन देने से। हाँ सेठ जी। क्यों? वो तो उन्होंने नहीं बताया। चल कोई बात नहीं, वो तुम्हारी सेठानी है ना तो मैं तुम्हारा सेठ हूँ, तुम्हारी सेठानी से भी बड़ा हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ मेरा टिफिन मुझे दे दे तो दे दे, चला। सॉरी सेठ जी बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब वेलो ते पहलो। देखिए सेठानी जी ने सबसे पहले हम दोनों को बांध दिया है तो वही हमें छुड़ा सकते हैं, आपके कहने पर हम नहीं छूट सकते, दैट इज इलीगल। वो तो गई मगज मारी। टिफिन दे रहा कि नहीं? नहीं सेठ जी, नहीं ये चीटिंग है। हाँ चीटिंग का चीटिंग, टिफिन दे रहा कि नहीं? टिफिन दे रहा कि नहीं? नटू काका क्या कर रहे हैं? सॉरी। हाँ
सॉरी भाई साहब, अभी लंच टाइम है, दुकान बंद है, एक घंटे बाद है ना। बागा टिफिन दे रहा है क्या? नहीं सॉरी सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको आपका टिफिन नहीं दे सकता। अरे रमेश कहाँ है भाई? बधाई हो, तुम्हारी नौकरी बच गई। जल्दी से गड़ा इलेक्ट्रिक से आजा, यहाँ पे मस्त ब्रेकिंग न्यूज हो रहा है, जल्दी से आजा भाई। ओ भाई साहब, भाई साहब किसे फोन लगाया आपने? मेरे दोस्त रमेश को, वो न्यूज रिपोर्टर है। वो बेचारा क्या है कि रोज नए नए ब्रेकिंग न्यूज के लिए भटकता रहता है। भला इससे अच्छा ब्रेकिंग न्यूज क्या हो सकता है? सेठ बना लाचार, भूखे सेठ पे नौकरों का अत्याचार। नहीं नहीं भाई, हम लोग हमारे सेठ जी पे कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं। वो क्या है, हम लोग रोज दोपहर को ऐसा 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 खेलते हैं, ताकि क्या है, उससे भूख और भी बढ़ती है और खाना खाने का डबल मजा आता है, इसलिए। वैसे आपको क्या चाहिए? सुना है कि इस गली में कोई फेमस बड़ा पाव वाला है, आज दिखाई नहीं दे रहा। वो अच्छा, वो नहीं 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 भाई, आज तो उसका वीकली ऑफ है, आज वो इस गली में अपनी गाड़ी नहीं लगाता। अरे रमेश ग्राई इलेक्ट्रॉनिक छोड़, एक और ब्रेकिंग न्यूज मिली है, लंच टाइप का नया खॉप, बड़ा पाव वाले ने रखा वीकली ऑफ। हाँ यार सच कह रहा हूँ मैं तुम्हें, जल्दी जल्दी से आजा, जल्दी से आजा यहाँ पे। बागा खतरनाक भूख लगी है मुझे, प्लीज तू यह मजाक बंद कर भाई, मेरा टिफिन दे दे भाई, प्लीज मुझे दे दे। सॉरी सेठ जी, मैं मजबूर हूँ। मजबूर? हाँ, सेठानी जी ने हमें कसम दी है कि कुछ भी हो जाए सेठ जी को टिफिन मत देना। तू क्या बोल रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। दया एक तो पहले सामने से मुझे फोन करके पूछती है, टप्पू के पापा आज आप खाने में क्या पसंद करेंगे? मैं कहता हूँ उंधियू पूरी, तो कहते हैं ठीक है मैं उंधियू पूरी बना के भेजती हूँ, फिर वो टिफिन में तेरे साथ उंधियू पूरी भेजती भी है, और अभी वो खुद कहती है कि टप्पू के पापा को टिफिन मत देना। टप्पू के पापा का, ये बाघा भाई का, और ये नट्टू काका का। वो जल्दी से रिक्शा मिल जाए तो अच्छा है। टप्पू के पापा का फोन, नक्की वो दुकान पहुंच गए। नहीं नहीं नहीं, अभी फोन नहीं उठाती हूँ, अभी सच बात बता दूंगी तो भूख के मारे मुझे ज्यादा डांटेंगे। सीधा दुकान जाती हूँ, टप्पू के पापा को उंधू खिलाती हूँ, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। बराबर, चल गया भाग जल्दी, रिक्शा जल्दी से मिले तो अच्छा। बोलो, अभी फोन भी नहीं उठा रही है। बागा, अरे नहीं कुछ कर रहा हूं मैं, तुझे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तू टिफिन दे रहा है क्या नहीं दे रहा है? सॉरी सेठ जी। लगता है मुझे घर ही जाना पड़ेगा। बेचारे टप्पू के पापा इंतजार कर रहे होंगे, सही इंतजार कर तू। दया भाभी मस्त बन गई। दया भाभी, हाँ क्या हुआ, कुछ टेंशन है? हाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? महिला मंडल को जो डर था वही हुआ फाइनली। हाँ, और ये जेठालाल खाने को लेकर बच्चों जैसा है, अगर बराबर ना मिले ना तो या तो गुस्सा करेगा या तो रूठ जाएगा। वही तो टेंशन है, इसलिए अभी टप्पू के पापा बैंक से दुकान आएंगे, दुकान से मैं दुकान पे जाऊंगी और फिर वहाँ से दुकान जाएंगे ना। मैं सॉरी। नहीं नहीं, समझ गए समझ गए। सॉरी जरा जल्दी मैं हूँ ना, मैं बाद में बात करती हूँ। मेरा एक काम करेंगे? हाँ बोलिए। ये उंधियू है, आप पकड़िए, आप ये उंधियू जरा कोमल भाभी को दे देंगे प्लीज? हो देते दया भाभी। थैंक यू, मैं बाद में बात करती हूं। भाई 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 दया भाभी सुनिए, कैसे जाने वाले हैं? अरे रिक्शा से। अरे लेकिन रिक्शा कहाँ मिलती है नाके पे, जल्दी से एक काम कीजिए, आओ आप उनको स्कूटर पे छोड़ के आइए ना दुकान। आप सुबह बाबू जी को बता रहे थे ना कि आपका स्कूटर का नंबर नहीं आया है, अगर हम स्कूटर लेकर जाएंगे और रास्ते में ट्रैफिक पुलिस ने हमें रोका तो?
तो और परेशानी हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। दया भाभी, इस वक्त आपको जो परेशानी हो रही है ना, उसके सामने वो परेशानी कुछ भी नहीं है। आप टेंशन मत दीजिए, तू जा माला पटकन, चाबी आनी, हेलमेट दे। ये दया क्या खेल खेल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा जल्दी चलाओ भाई। अरे भाई साहब जरा जल्दी चलाओ, साइकिल वाला भी आगे निकल गया। भाभी आप शांत बैठिए, हम लोग पहुंच जाएंगे। आप हाँ। प्लीज हाइपर मत होइए, प्लीज प्लीज। थोड़ी देर में बाजूला बाजूला गया, बाजूला गया। लाइसेंस दाखवा। साहब इनके पास लाइसेंस है। बहन जी लाइसेंस हो तब भी देखना हमारा काम है। दाखवा। जल्दी थी तो घर से जल्दी निकलना चाहिए था ना। आत्माराम तुकाराम भिड़े। ओहो बिचारे टप्पू के पापा अभी भूख के मारे छटपटाते हुए मुझे ही याद कर रहे होंगे। हाय जेठा जी। बबीता जी रुको रुको रुको। अरे सॉरी, अरे बबीता जी सॉरी सॉरी, मैं जरा विचारों मेरा पैसा। हाँ हाँ भाई, बबीता जी एक मिनट। अरे भाई ये लो पैसा तुम्हारा। सॉरी सॉरी बबीता जी, मेरा ध्यान नहीं था, प्लीज आप बुरा मत लगा ना। नहीं आपने हाय बोला और मैं सॉरी सॉरी। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। वैसे क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी घर पे वापस आ गए? लेट मी गेस। आप उंधियो खाने आए, राइट? पिताजी आपको कैसे पता? ओहो आप तो अंतर्यामी हो गए हैं। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक्चुअली सुबह हम सब लोग एक साथ सब्जी ले रहे थे, तब उन्होंने कहा कि वो आज आपके लिए स्पेशल उंधियो बना रही है। अरे हाँ मुझे भी फोन करके उसने बोला कि आप बागा भाई को टाइम पे भेज देना, मैं टिफिन में स्पेशल उंधियो पूरी भेजूंगी। उसने टिफिन भी भेजा, फिर अचानक बागा को फोन करके बोलती है कि नहीं मेरी कसम आप टप्पू के पापा को टिफिन मत देना। समझ में नहीं आ रहा क्या कर रही है। लगता है दया भाभी आपको घर पे गर्मा गर्म उंधियो अपने हाथों से खिलाना चाहती है। नहीं अगर ऐसा होता तो मुझे फोन करके बोलती ना, उल्टा मैं उसे फोन करूं तो फोन ही नहीं उठा रही है। शायद उन्होंने आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हो। अरे यहाँ भूख सर पे चढ़ गई, इसको सरप्राइज खेलना है। नो 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 नो, आई एम जस्ट गेसिंग, मुझे वैसे पता नहीं है। जस्ट अ सेकंड। हेलो या आई एम जस्ट कमिंग, ओके टू मिनट्स। ओके जीजा जी मेरी फ्रेंड मेरा इंतजार कर रही है। ओके आई सी यू लेटर, बाय, एंजॉय। ओके ओके। ये सरप्राइज वाली। अरे बेड़े साहब मैं गाड़ी के पेपर मांग रहा हूँ, आप ये बिल दिखा रहे हैं मुझे। हाँ लेकिन पेपर अभी तक। ओ टीसी नंबर, मतलब गाड़ी नहीं है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अभी हुआ नहीं, और गाड़ी को लेकर सड़क पर घूमने के लिए निकल पड़े। नहीं घूमने नहीं निकले, वो थोड़ी मजबूरी थी आज। अरे सर कौन मजबूर नहीं है आज के जमाने में, देखिए मैं भी हूँ ना मजबूर आप पर कार्रवाई करने के लिए। ओह तो आप शिक्षक हैं, और शिक्षक होकर भी नियमों का पालन नहीं करते, आपका चालान तो कटेगा ही कटेगा। क्या मुसीबत है। दया
दया दरवाजा खोल। पुलिस भाई प्लीज हमें जाने दीजिए ना, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये सब उंधियो की वजह से हुआ है। उंधियो? ये उंधियो कौन है? हाँ, उंधियो, ये उंधियो डिब्बे में है, ये गुजराती वाइन की है। हाँ, इसमें बहुत सारी सब्जियाँ डालते हैं, वालोल, सुरती पापड़ी, रवैया, टमाटर, टिंगड़ी और मेथी का मुठिया। बहन जी आप मुझे रेसिपी मत बताइए, जरा मुद्दे की बात करिए। सेम केस, मेरी पत्नी भी जब भी कुछ अच्छा खाना बनाती है कोई ना कोई गड़बड़ उसमें हो ही जाती है। आपकी पत्नी का नाम भी दया है? नहीं नहीं, उनका नाम दीपाली है। राशि तो एक ही हुई ना साहब। दया भाभी उंधियों के बारे में? तो साहब मैंने मेरे पति के लिए नया दूसरा उंधियों बनाया और ये देने के लिए मैं दुकान जा ही रही थी, तभी बेचारे भीड़े भाई और उनकी पत्नी ने कहा कि दया भाभी आपको रिक्शा नहीं मिली, तो इसीलिए अभी वो मुझे दुकान छोड़ने आ रहे थे। दया दरवाजा खोल भाई, खतरनाक भूख लगी है। देखिए प्लीज आप मुझे जाने दीजिए, मेरे पति को बहुत भूख लगी होगी, अगर मैं मेरा पत्नी धर्म नहीं निभा पाई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, प्लीज जाने दीजिए। बस बहन जी बस, मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मेरी पत्नी भी अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए हमेशा चिंतित रहती है, वो भी आप ही की तरह बहुत भोली है। ये लीजिए। थैंक यू। अभी तो मैं आपको जाने दे रहा हूँ, अगर आपने दोबारा नियमों का पालन नहीं किया तो आपका चालान कटेगा ही कटेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दया अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं तोड़ दूंगा दरवाजा, तोड़ो। तो ये तो ताला लगे। अरे कहाँ चली गई है दया अभी? भगवान, फोन भी दुकान में रह गया। अंजलि भाभी को मालूम होगा। अरे संभालो संभालो जेठा भाई, क्या हुआ, फिसल कैसे गए? पता नहीं भाई, लगता है आपको वीकनेस आ गई है, कुछ खाया करो यार। खाना है लेकिन खाना मिल नहीं रहा है भाई। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू भाई। आओ आपको कहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ, चलिए कहाँ जाना है संभाल। क्या? अरे भाई इतनी भी कोई कमजोरी नहीं आ गई है, मैं अपने आप को संभाल लूंगा, ठीक है आप जाइए। अच्छा ठीक है, तो दो कदम चल के दिखाओ। ओ भाई थैंक यू, आपने मेरी मदद की, थैंक यू, जरूरत नहीं, आप जाइए प्लीज प्लीज जाइए। दो कदम चल के दिखाइए ने। अरे जेठा भाई आइए आइए। नहीं अंजलि भाभी मुझे सिर्फ ये जानना है दया कहाँ गई है। दया भाभी मुझे नहीं पता, पर यहीं कहीं गई होगी। अच्छा हमारे घर की चाबी दीजिए ना। चाबी मेरे पास नहीं है। हमारे घर की एक चाबी आपके घर पे रहती है ना? हाँ जेठा भाई हमेशा रहती है, पर कुछ दिन पहले चाचा जी चाबी लेके गए थे ना, उसके बाद वापस नहीं देके गए। ओहो। क्या हुआ जेठा भाई, कोई प्रॉब्लम? अरे वो मुझे, अगर अंजलि भाभी को बोलूंगा कि मुझे जबरदस्त भूख लगी है तो वो तो मुझे घास फूस खिला देगी। नहीं नहीं जेठा भाई, वो मुझे क्या? वो मुझे थोड़ा सर दर्द है, ज्यादा कुछ नहीं। ओ तो आप अंदर आइए ना, मैं आपको दवाई देती हूँ। नहीं नहीं दवाई खाने जितना भारी सर दर्द नहीं है। नहीं है। फिर भी जेठा भाई दवाई खा लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप रुकिए मैं दवाई लेकर आती हूँ। अंजलि भाभी सुनिए। अरे ए ए ए काय करतो ए ए रॉन्ग साइड ए ए ए ए पागल, तू चक्कर वक्कर है कि नहीं, ये क्या रॉन्ग साइड से साइकिल चला रहे हो? साइकिल के लिए कौन सा राइट या रॉन्ग होता है, ये गाड़ी थोड़ी है। तो यहाँ क्या अर्थ है, अभी टक्कर हो जाती तो नुकसान तो मेरा ही होता ना, आपकी गाड़ी है और मेरी तो साइकिल है। अब एक तो गलती कर रहे हो ऊपर से बहस कर रहे हो। अरे भाई जाने दीजिए ना, सॉरी इनसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना। दया भाभी कहाँ चली गई दया।
जेठा भाई लीजिए दवाई खा लीजिए। नहीं नहीं अंजलि भाभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे खा लीजिए जेठा भाई, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अंजलि भाभी देखिए सर दर्द आधा तो ठीक भी हो गया है। इसे खाने से पूरा ठीक हो जाएगा, ये आयुर्वेदिक है। खा लीजिए ना प्लीज जेठा भाई, लीजिए लीजिए खा लीजिए खाइए। क्या नसीब है मेरे, स्वादिष्ट उंधियों की जगह कड़वी दवाई खाने को मिल रही है। सेठानी जी, भिड़े भाई। हाँ, हाँ, टप्पू के पापा कहाँ है? वो तो गुस्सा होकर चले गए। कहाँ, होटल? नहीं नहीं भिड़े भाई, गोकुलधाम सोसाइटी। सेठानी जी, आपने बागा को फोन पे कसम दी थी ना कि सेठ जी को टिफिन ना दे, तो हमने नहीं दिया, तो हम पर वो बहुत गुस्सा हो गए। सॉरी नटू काका, बागा भाई सॉरी है मेरी वजह से। अरे नहीं नहीं सेठानी जी, उसमें सॉरी क्या। पर सेठानी जी, आपने सेठ जी को टिफिन देने से मना क्यों किया? हाँ। वो नटू काका, गलती से मैंने उंधियों में दो बार नमक डाल दिया था तो पूरा उंधियों खरा खरा हो गया, इसलिए मैंने टप्पू के पापा को टिफिन देने से मना कर दिया। फिर मैंने फटाफट दूसरा उंधियों बनाया टप्पू के पापा के लिए और आप लोगों के लिए भी। लेकिन मुझे क्या पता टप्पू के पापा गोकुलधाम सोसाइटी चले जाएंगे। बेचारे टप्पू के पापा, सुबह से उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। देवा अभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं जेठा को अभी फोन करता हूँ। इट्स नो यूज ऑफ भिड़े भाई, सेठ जी अपना मोबाइल दुकान में ही भूल गए हैं। क्या करें? और टप्पू के पापा कब निकले यहाँ से? कब के? अब तक तो वो सोसाइटी पहुँच भी गए होंगे। क्यों भागा? हाँ। अरे बाप रे, टप्पू के पापा अपना फोन भूल गए हैं। क्या करूँ क्या करूँ, घर पर जाऊंगी। सेठानी जी, आप घर गए और सेठ जी वापस दुकान आ गए तो? हाँ वो भी है। देव अभी मैं काम करता हूँ, मैं मेरे घर पे फोन करता हूँ। माधवी अचार पापड़ की डिलीवरी करके घर पे पहुँच भी गई होगी। हाँ, थैंक यू भिड़े भाई। उसे बोलते जेठा को मैसेज दे दे। थैंक यू। भिड़े भाई लगा फोन? हाँ लग गया। उठाया किसी ने? उठाया नहीं, नहीं उठाया। Have patience, बागा बॉय। नहीं देव, अभी पूरी रिंग चली गई, लगता है वो घर पहुंची नहीं है अभी तक। अंजलि भाभी को फोन करती हूँ, वो घर पर ही होंगे। उठाइए उठाइए अंजलि भाभी, फोन उठाइए। भाभी भी फोन नहीं उठा रहे हैं, अब क्या करूं? अब्दुल। जेठा भाई, कब तक यहाँ खड़े रह के इंतजार करेंगे? शांति से घर पे बैठिए, मैं आपको चाय बना के पिलाती हूँ। नहीं नहीं अंजलि भाभी, मैं यहाँ खुली हवा में रहूंगा तो क्या वो सर दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे जेठा जी, उंधियो खा के दुकान वापस जा रहे हो? अरे बबीता जी, उंधियो खाने ही कहाँ मिला। क्यों? दया घर पे ही नहीं है। ओ माय गॉड, जेठा भाई अब समझ में आया, आपको सर दर्द भूख की वजह से हो रहा है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब्बी के अब्बी घर चलिए, मैं कुछ बना के खिलाती हूँ आपको, चलिए। वैसे जेठा जी, आज मैंने आलू पोस्त तो बनाए, आप ट्राई कीजिए ना। अंजलि भाभी आप भी चलिए। एक मिनट, ये आलू पोस्त तो क्या है? वो एक्चुअली एक बंगाली स्पेशलिटी है, बहुत टेस्टी डिश है। जेठा जी चलिए ना, ट्राई कीजिए ना। नहीं थैंक यू बबीता जी, वो आज मेरा उंधियो उपवास है। उंधियो उपवास मतलब? हाँ जेठा भाई, मैंने एकाश्रु सुना है, निर्जला उपवास सुना है, उंधियो उपवास पहली बार सुन रही हूँ। हाँ नहीं नहीं, ऐसा कोई उपवास नहीं, वो क्या है, आज सुबह से अनायास से जो मेरा उपवास हो गया है, तो इस उपवास को मैंने उंधियो उपवास नाम दिया, क्योंकि इस उपवास को मैं उंधियो खा के ही तोड़ूंगा ना, इसलिए उंधियो उपवास। अच्छा यूं? अच्छा। और क्या, दया ने मेरे लिए प्यार से उंधियो बनाया है, अभी मैं कुछ और खा लूंगा तो क्या वो बेचारी नाराज हो जाएगी, इसलिए थोड़ी देर और रात देखता हूँ, दया बस आती ही होगी। अरे जेठा भाई जल्दी से अपनी दुकान पे पहुंचिए। क्यों? दया भाभी का फोन आया था, वो आपके लिए टिफिन लेके दुकान पे गई है, आपका इंतजार कर रही है। ले। ओ। दया टिफिन लेकर दुकान पहुंची? अरे लेकिन फिर से टिफिन लेकर दुकान क्यों पहुंची? वो पहले एक टिफिन उसने भागा के साथ तो भिजवा दिया था। मुझे क्या मालूम, एक मिनट जरा फोन देना तो। हाँ। क्या हो रहा, फोन आया? हाँ, एक मिनट।
हेलो गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स, बाघा बोल रहा हूँ। दया वहाँ आई है जी, आप कौन बोल रहे हैं? अरे कौन बोल रहा है वाली, मेरी आवाज नहीं पहचान रहा है? सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, बोलिए बोलिए सेठ जी। अरे क्या बोलिए बोलिए, बोल तो चुका, दया वहाँ ही है। हाँ सेठ जी। हाँ तो जरा फोन दे उसे। हाँ हाँ एक मिनट, शेखानी जी सेठ जी बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ टप्पू के पापा। अरे क्या, हाँ टप्पू के पापा, दया तो दुकान में क्या कर रही है, वहाँ क्यों पहुँच गयी? वो आपके लिए उंधियो लेकर आई हूँ। अरे तो तूने जो टिफिन भागा के साथ भेजा था उसमें भी उंधियो ही था ना? हाँ। तो फिर भागा का वो टिफिन मुझे देने से मना क्यों किया? नहीं नहीं अभी टप्पू के पापा को बताऊंगी तो वो गुस्सा करेंगे। अरे चुप क्यों, बोल। देखिए टप्पू के पापा अभी समय नहीं है ये सब बताने का, मैं घर पे आके आपको सब बताऊंगी। अभी आपको भूख लगी होगी ना, मैं फटाफट घर पर आती हूँ। एक मिनट दया, फिर से कोई गड़बड़ ना हो इसलिए काम कर, तू वहीं रुक, मैं वहाँ दुकान आता हूँ। नहीं 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 टप्पू के पापा आप यहाँ मत आइए। हाँ वो क्या है टप्पू के पापा, शायद आपको वहाँ रिक्शा ना मिले तो, और हमारे पास तो स्कूटर है ना, हम लोग फटाफट आ जाएंगे। स्कूटर? हाँ मैं जल्दी में थी तो भीड़े भाई अपने स्कूटर पे मुझे दुकान छोड़ने आए थे। अरे वाह वाह, चल तो आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। पर टप्पू के पापा आपको दुकान में कुछ काम हो तो आप दुकान में आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। दया सॉरी सॉरी, हम एक काम करें, हम बीच रास्ते में मिलते हैं, उससे क्या है कि समय भी बच जाएगा और आपको गर्मा गर्म उंधियो खाने को भी मिलेगा, बराबर? और देखिए वो एमजी रोड पर शिव हरि लीलाधर होटल है, आप वहाँ पर मिलिए, तो क्या है आप वहाँ पर बैठकर गर्म गर्म उंधियो खा सकते हैं। अरे होटल वाला बाहर का खाना वहाँ बैठकर नहीं खाने देगा। अरे पर ये बाहर का खाना थोड़ी है, घर का खाना है। दया तू वहीं रुक, मैं दुकान आता हूँ। नहीं 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 आप यहाँ पर मत आइए, मैं आती हूँ घर पर। हाँ प्लीज जल्दी आ। जेठा भाई कब तक ऐसे कंपाउंड में खड़े रहेंगे, दया भाभी आ जाएगी, आइए ना घर चल के बैठते हैं प्लीज। हाँ नहीं वही ठीक है, थैंक यू अंजलि भाभी, बस दया आती ही होगी अभी। जेठा भाई आप यहाँ, दया भाभी तो दुकान गई है टिफिन लेके आपके लिए। हाँ वो मेरी बात हुई दया से, वो मुझे टिफिन देने के लिए यहाँ घर से दुकान के लिए निकली और मैं दुकान से यहाँ घर के लिए निकल चुका। ओके हम दोनों के बीच में थोड़ी वो मुक्का चुकी हो गई। जेठा भाई आपको भूख लगी होगी, मेरे घर में मिसाल तैयारी है, चलिए ना खा लीजिए। थैंक यू मधु भाभी, क्या दया ने मेरे लिए स्पेशल उंधियो बनाया है, और अगर मैं मिसाल खा लूंगा, नहीं वैसे मिसाल मुझे बहुत पसंद है लेकिन अगर खा लूंगा तो फिर उंधियो नहीं खा पाऊंगा ना, इसके लिए कई हरकत नहीं। जेठा भाई उंधियो के बिना आज कुछ नहीं खाएंगे। मधु भाभी जरा भीड़ा को फोन करके पूछो ना कहाँ पहुँचे। सॉरी जेठा भाई पर ये मेरा फोन उठाएंगे नहीं। भीड़ा आपसे भी झगड़ा करता है? नहीं नहीं झगड़ा वगैरह कहीं नहीं जेठा भाई, ये स्कूटर चला रहे होंगे ना अभी तो, इनकी शिस्त है कि स्कूटर चलाते वक्त फोन नहीं उठाना है। मैं दया भाभी को फोन करूं? नहीं उसकी अलग प्रकार की शिस्त है, कोई भी उसके मोबाइल पे फोन करे फोन उठाने का ही नहीं। कितनी बार मैं उसको फोन करता हूँ दुकान से, कभी मोबाइल कबाट में रहता है, कभी पर्स में रहता है, कभी उठाती ही नहीं हो। आ गए आ गए आ गए, बस आ गए आ गए। Thank God. Sorry, टप्पू के पापा। संभाल संभाल के उंधियो गिर जाएगा। दया भाभी जीठा जी आपके उंधियो का कब से वेट कर रहे हैं? वो सुबह भी टप्पू के पापा ने कुछ नाश्ता नहीं किया था और दोपहर के खाने में भी अभी गड़बड़ हो गई, मतलब मैं उंधियो देने के लिए दुकान गई और टप्पू के पापा यहाँ पर आ गए, उसने जरा सॉरी टप्पू के पापा दुकान पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन आप लोग तो कब से निकले थे दुकान जाने के लिए, तो इतनी देर कैसे हो गई? वो रास्ते में भीड़े भाई ने पुलिस भाई को पकड़ लिया था। हाँ, नहीं मतलब वो पुलिस भाई ने भीड़े भाई को पकड़ लिया था। क्यों भीड़े भाई क्या हुआ? हाँ? अरे अब्दुल अभी तो स्कूटर का नंबर नहीं आया ना,
और मैं बिना नंबर के स्कूटर बाहर लेके गया तो पुलिस से पकड़ लिया। अरे भाई तो बिना नंबर का स्कूटर लेके तो रास्ता पे निकला ही क्यों? टप्पू के पापा भेड़े भाई बेचारे मेरी मदद के लिए आए थे। हाँ, हमें तो बाहर कभी कभी रिक्शा मिलती है नहीं मिलती ऐसा सब होता है ना। सॉरी, थैंक यू। आप लोगों ने सही कहा था, मैं जब भी टप्पू के पापा के लिए पेंसिल खाना बनाती हूँ ना तो कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है, और हो गई। अभी गड़बड़ हो गई तो उसको सुधार ले, मैं भी यही हूँ, उंधियो भी यही है, तो दोनों का मिलाप करा दे। अभी क्यों यहाँ खड़े हम लोग? भाई चल जल्दी। हाजी पण काय हालत खराब झाली होती पोलिसला बघून। अगर माधवी भाभी को भिड़े को टिफिन पहुँचाना होता और मेरे पास स्कूटर होता तो क्या मैं माधवी भाभी की मदद नहीं करता? नहीं जेठालाल, माधवी को तुम्हारी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि मैं बाहर खाना खा लेता, थोड़ा एडजस्ट कर लेता, तुम्हारी तरह नहीं बोलता कि मला उंदियोस पाहिजे। अहो सॉरी सॉरी, एंजॉय एंजॉय। उंदियो। हां चल चलो चलो चलो, बस खुश। हां दो बातें उसने मुझे सुनाई। थैंक यू, तू बोलने गई उसमें। चले चले टप्पू के पापा, आप फटाफट हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए गरमागरम खाना लाती हूं। एक मिनट एक मिनट, पहले तो मुझे यह बता कि यह सब क्या षड्यंत्र रचाया तूने? षड्यंत्र और नहीं तो क्या? पहले तो भागा के आता टिफिन दुकान में बेचती है, फिर बागा को कसम देती है कि वो टिफिन में से मुझे खाना खाने ना दे, फिर तो खुद एक और टिफिन लेकर दुकान आती है। क्या ये सब और क्यों? वो टप्पू के पापा हुआ यूं कि ए भगवान, ये सब सर्कस करने की जगह पे तूने मुझे फोन करके बता दिया होता कि टप्पू के पापा उंधियों में जरा ज्यादा नमक पड़ गया है, अब मत खाना, मैं दूसरा अच्छा वाला उंधियों बना के दुकान लेके आती हूँ, तो मैं वहीं रहता ना। पर मैंने सोचा कि मैं आपको कहूंगी तो आप गुस्सा करेंगे, इसलिए सीधा ही आपको उंधियों देने के लिए दुकान पहुँच गई। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है दया, मेरी रसोई रानी से आज ये गलती हुई कैसे? क्या है, उंधियों बनाते वक्त माँ का फोन आया था तो बात करते करते मैंने नमक डाल दिया था, फिर सुंदरीरा का फोन आया तो बातें करते करते मैंने दूसरी बार भी नमक डाल दिया, और ऐसे उंधियों में दो बार डबल नमक पड़ गया। ये साला मेरा सुंदर अहमदाबाद में बैठे बैठे मेरा खाना बिगाड़ दिया। चल दया, अभी जो हो गया सो हो गया, अभी तू मुझे फटाफट खाना दे, खतरनाक भूख लगी है भाई। नमक कुमार, ये तेरी माँ भी क्या मेरे अजीब अजीब नाम रखती रहती है। नहीं नहीं नहीं, ये नाम मैंने नहीं रखा है, ये नाम मैंने रखा है अभी। नमक कुमार, ये कैसा नाम है? आप नमक जैसे है ना, इसलिए। चल चल अबे, मैं कहाँ से नमक जैसा हुआ, ना मैं सफेद हूँ ना मैं खा रहा हूँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, समझा। जैसे नमक को बाटली में उतारना आसान होता है, वैसे मुझे भी। नहीं 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 टप्पू के पापा, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर खाने में नमक कम हो तो भी मजा नहीं आता है, और अगर नमक ज्यादा हो तो भी मजा नहीं आता है, और आपका भी नमक जैसा ही है। अगर आप शांत रहते हैं ना तो भी मजा नहीं आता है, और अगर आप गुस्सा करते हैं ना तो भी मजा नहीं आता है। ठीक है, अभी ये सब छोड़, मैं क्या कहता हूँ, अभी ये गर्म करने का रहने दे, ऐसे ही दे दे भाई, बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ठंडा खाना नहीं खाने दूंगी। अरे देना भी चलेगा उसमें क्या, बहुत भूख लगी है दया। नहीं 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 टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है अगर पति को ठंडा खाना खिलाओगी तो उनका दिमाग गर्म हो जाएगा, और अगर उनको गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी ना तो उनका दिमाग एकदम ठंडा रहेगा। अच्छा अच्छा भाई, जो भी अभी जल्दी खाना दे, बहुत भूख लगी है। आज मैं खिलाऊंगी उंधियों गर्मा गर्म, पूरी के साथ खाना उंधियों गर्मा गर्म, साथ में डब्बा वाली कढ़ी पीना गर्मा गर्म। क्या क्या कर रहे टप्पू के पापा? क्या नहीं, अरे तू गाना पूरा कर, मैं उंधियों पूरा करता हूँ। सॉरी पापा सॉरी, मैं अभी फटाफट गरम करके लाती हूँ। गाना भाई, मैं लाऊं उंधियों, मैं लाऊं पूरी, ये ला ना, ये दया चल उंधियों ला।
बापूजी, आ गए स्वच्छता अभियान का काम निपटा के। मैं तो आ गया, लेकिन तू इस वक्त घर पे क्या कर रहा है? वो मैं दया ने उंधियू बनाया ना बापूजी, आज तो घर पे खाना खाने आया हूँ। वाह भाई, तेरा तो वट है। एक काम कर जेठिया, कल से दुकान का काम भी घर पे ही मंगवा ले। तो क्या है ना, तू रोज दोपहर को घर पे ही खाना खा सकता। ये सब क्या नया चालू किया है, चालू दुकान छोड़ के दोपहर को खाना खाने घर पे आने का? बापू जी रोज कहाँ आता हूँ, आज ये खास उंधियो बना है इसलिए। चलिए टप्पू के पापा बताइए। अरे बापू जी आपका स्वच्छता अभियान का प्रोग्राम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा बहू। पर आप थोड़े थक गए होंगे? नहीं। अरे नहीं नहीं बहू, जिस काम में मजा आता हो उस काम को करने में कभी थकान महसूस नहीं होती। और वैसे भी मैं अकेला कहाँ था, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे स्वच्छता अभियान में। चंपक, अरे ओ चंपक, बस एकदम मजे में। और बताओ बचाओ, गांव में सब कैसे हैं? सब मजे में है। हम दोनों मुंबई कुछ काम से आ रहे थे तो सोचा तेरे लिए गांव से गाय का शुद्ध घी लेके आए। अरे वाह, हाँ हाँ हाँ, गांव का शुद्ध घी है। शुद्ध घी की खुशबू कितनी अच्छी है। हाँ बापू जी, यहाँ तक आ रही है। पांजी गंगा गाय जो शुद्ध घी आई, हाँ तभी इतनी खुशबू आ रही है। ले बहू। थैंक यू काका। वाह 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 मुरजी करसन, ये शुद्ध घी की खुशबू से तो गांव के पुराने दिन याद आ गए। याद है चंपक, रोज हम कैसे रोटी के साथ एक एक कटोरी घी पी जाते थे। हाँ बापूजी, आप रोज एक कटोरी घी पी जाया करते थे? तो यहाँ शहर में तो हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा करके पूरे हफ्ते में अगर एक कटोरी घी पिएंगे तो भी पेट में गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि शहर के लोग सिर्फ खाना खाना जानते हैं, उसे पचाना नहीं जानते। अरे गाँव में तो हम लोग जितना घी दूध पीते थे उतनी मेहनत भी करते थे। रोज सुबह 5-7 किलोमीटर दूर चल के कुएं से पानी भरने जाते थे और गाय भैंस चराने के लिए 8-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो फिर सुना जेठिया, अरे मैं तो कहता हूँ तू भी है ना रोज दुकान से घर चल के आना जाना शुरू कर दे, फिर देख तुझे भी रोज एक कटोरी घी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर रोज मैं घर से दुकान और दुकान से घर चल चल के आऊंगा जाऊंगा तो एक कटोरी घी तो पी पाऊंगा, लेकिन फिर चल चल के मेरा जो तेल निकलेगा उसका क्या? क्या क्या? चलिए खाने के लिए बैठ जाइए। नहीं नहीं बेटा, फिर कभी, अभी हमें एक दो जगह जाना भी है और शाम को वापसी की गाड़ी है। हाँ भाई, वो जो भी हो खाना तो खाना ही पड़ेगा। अरे रहने दो, दया बहू को फिर से खाने बनाने की तकलीफ क्यों दे रहे हो? अरे नहीं नहीं काका, खाना बनाने की जरूरत नहीं है, खाना तो तैयार ही है। हाँ और आज तो बहू ने उंधियू बनाया है। हाँ उंधियू? करसन तुझे तो उंधियू बहुत पसंद है ना। अरे फिर तो खाना खा के ही जाना पड़ेगा। आप बैठ जाइए, मैं गर्म गर्म खाना परोसती हूँ। टप्पू के पापा आप, मैं बाद में शांति से खाता हूँ पहले। वाह खुशबू तो बहुत मस्त आ रही है। अरे स्वाद भी बहुत बढ़िया है। आहा। अरे ये कुछ लिया नहीं आपने? ये काकड़ी टमाटर लीजिए, मोनता लीजिए काका। अरे पूरी नहीं, अरे दया आई आई पूरी पूरी ला। आला बस, वाह वाह गरम गरम पूरी है काका। काका सलमान बेटा बराबर खाना ले ले ले, मोनता ले मोनता ले। वाह बेटा वाह, हजी भी मजा है बाकी। वाह मजा आ गया, इतना पेट भर गया कि रात को उपवास करना पड़ेगा। वाह दया बहू क्या उंधियू बनाया। थैंक यू। इतना अच्छा उंधियू बनाया था दया बहू ने कि मैं मेरी बहू को कहूंगा कि दया बहू से उंधियू बनाने का तरीका सीख ले। हाँ, जरूर। हाँ ये ले खा बेटा मुकाश का। चंपक तेरी बहू के हाथ में सच में जादू है भाई, इतना स्वादिष्ट उंधियू मैंने कभी नहीं खाया। भाई चंपक एक बात कहनी पड़ेगी, तुझे बहू के रूप में अन्नपूर्णा मिली है। ये
अच्छा तू नसीब वाला है भाई, तुझे घर बैठे एक से एक पकवान खाने मिलते होंगे। हाँ वो तो है, एकदम सही कहा तूने मुर्जी, सचमुच बहू के हाथों में जादू है। आज तक बहू के हाथ से कभी बेस्वाद खाना नहीं बना। आज तो मजा आ गया भाई। जेठा बेटा तुम्हें भी थैंक यू, तुमने हमें इतना प्यार से खाना खिलाया। अरे भाई आज के जमाने में बिन बुलाए मेहमान को कोई पानी तक नहीं पूछता, और तुमने हमें प्यार से इतना स्वादिष्ट खाना परोसा। सच कहा करसन, अतिथि देवो भव, जैसे भगवान को भोग धरते ऐसे भाव थे तुम्हारे। आज बहुत अच्छा लगा तुम्हारे घर आकर। अरे नहीं नहीं उल्टा, आप दोनों ने हमारे घर पे खाना खा के हमें आपकी सेवा करने का मौका दिया, इसलिए आप दोनों को थैंक यू। चलो चंपक अब निकलते हैं। बस काका जाना है। लेकिन अगली बार जब आओगे तो कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, ऐसे जाने नहीं दूंगा। हाँ हाँ जरूर आएंगे। चलो जेठा, चलो जेठा मैंने नीचे तक। हाँ हाँ बाबा। और हाँ करसन मुझे गाँव में नाचिया हरी सब मेरी याद देना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आओ जो काका। अच्छी जा आओ जो। दया दया दया, क्या हुआ, दोनों कान की बाली गिर गई। अरे बाली तो है, फिर कान पकड़ के क्यों खड़ी है? सॉरी टप्पू के पापा, आज मेरी वजह से आप उंधियों नहीं खा पाए। आज मैं पूरा दिन ऐसे ही कान पकड़कर खड़ी रहूंगी, ना खाऊंगी ना पीऊंगी। अरे बाप रे, तो क्या हमको भी भूखा रखेगी? नहीं नहीं नहीं, आप लोगों के लिए तो खाना बनाऊंगी ना। ऐसे कान पकड़ के खाना कैसे बनाएगी, ऐसे 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 कैसे बनाएगी? सॉरी टप्पू के पापा, सॉरी। अरे दया, इसमें सॉरी क्या, अरे अचानक मेहमान आ गए उसमें तेरी क्या गलती। और चल ठीक है, मुझे उंधियू खाने को नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन बापूजी के दोस्त उंधियू खा के कितने खुश हो गए, और उससे हमारे गड़ा खानदान की इज्जत कितनी बढ़ गई। सच कहूं तो मेरा पेट तो उनके मुंह से तेरी तारीफ सुन के ही भर गया। मतलब टप्पू के पापा आप सच में मुझसे नाराज नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, और वैसे भी कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो जिनके नसीब में था उनको मिल गया। वैसे तुझे भी कहां उंधियू खाने को मिला? अरे मेरा तो ठीक है, लेकिन आपको आपको उंधियू खाने का कितना मन था। अरे भाई अब ये सॉरी बोरी छोड़, भले उंधियू खत्म हो गया हो, कुछ और तो खाने को दे, खतरनाक भूख लगी है भाई। क्यों, अभी आपने तो कहा कि मेरी तारीफ सुनकर आपका पेट भर गया है। हाँ वो ऐसा मेरी जबान ने बोल दिया, लेकिन मेरा पेट जबान के साथ सहमत नहीं है। वो अभी डांट रहा है जबान को कि जबान जबान संभाल के बात कर, हड्डी नहीं तो क्या कुछ भी बोलेगी। यहाँ पे बहुत भूख लगी है, आने दे खाना, दे आने दे आने दे। ये कुकर की सीटी हमारे घर में बजी। मैंने कड़ी खिचड़ी बनाने को रख दी है, आपको भूखा थोड़ी ना रखूंगी। आप बस दो मिनट बैठिए, मैं फटाफट कड़ी खिचड़ी लेकर आती हूँ। टप्पू के पापा सॉरी, आज आपको उंधियों की जगह कड़ी खिचड़ी खानी पड़ रही है। अरे कोई बात नहीं दया, तू तो जानती है तेरे हाथ के कड़ी खिचड़ी मुझे कितने पसंद है, और वैसे भी जो हुआ अच्छा हुआ, इसी बहाने हम दोनों साथ में बैठ के खाना तो खा रहे, वरना रोज इस टाइम पे मैं दुकान में रहता हूँ और तू घर पे, और रात को भी तू मुझे टप्पू को और बापू जी को खाना खिलाने के बाद ही अकेली खाती है। फिर भी टप्पू के पापा, आपको मस्त उंधियों खिलाने का मेरा प्रोग्राम तो चौपट हो गया ना। वो तो होना ही था दया, तू जब भी मुझे स्पेशल पकवान खिलाने का प्रोग्राम बनाती है कोई ना कोई गड़बड़ होती ही है, और मैं भूखा रह जाता हूँ। इसलिए अभी आगे से ना तू एक काम करना, तू मुझे सूखी रोटी और फीकी सब्जी खिलाने का प्रोग्राम बनाना, तो शायद मुझे कोई स्पेशल पकवान खाने को मिल जाए। क्या करोगे पापा आप भी? वैसे सच कहूं दया, तेरे साथ बैठ के ये कड़ी खिचड़ी खा रहा हूं ना, तो मुझे ये कड़ी खिचड़ी भी 56 भोग जैसे लग रहे हैं। सच टप्पू के पापा?
हो, अब मैं रोज आपके लिए कढ़ी खिचड़ी ही बनाऊं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं थोड़ी ना आपको रोज रोज कढ़ी खिचड़ी खिलाऊंगी। तेरा कोई भरोसा नहीं भाई? क्या टपके पापा अभी? चलिए खाना खाइए। रुकिए। क्या हुआ? इसमें भी ज्यादा नमक पड़ गया? आज मैं पहला निवाला अपने हाथों से खिलाऊंगी। ओहो। अरे थोड़ा ज्यादा ले। वैसे टप्पू के पापा, मुझ पर आपका उंधी उधार रहा है? हाँ तो उधार कब चुकाएगी? आज रात को ही। आज रात को ही? तो दे एक काम करना, तू है ना थोड़ा ज्यादा उंधियो बनाना, ताकि कल सुबह नाश्ते में भी मैं उंधियो ही खा सकूं। ठीक है मेरे उंधियो प्रेमी, लीजिए। हम्म।